सत्य की प्रेम कथा मूवी देखकर आए, इनसे पूछते हैं कि कॉमेडी सीन्स और रोमांटिक मूवी थी नहीं, और कार्तिक आर्यन कपल के रूप में दिख रहे थे, आपको उनकी परफॉर्मेंस वगैरह कॉमेडी सीन्स आप कैसे बताना चाहोगे, कॉमेडी सीन्स कैसे अच्छे लगे? मूवी तो बहुत अच्छी थी, आप लोगों को देखनी चाहिए विद फैमिली। एक सोशल मैसेज था कि मतलब ज़्यादातर है ना गर्ल्स को देखनी चाहिए। मूवी अच्छी थी, कॉमेडी भी थी, दोनों का परफॉर्मेंस दोनों का अच्छा था, रोमांस था और थोड़ा सैड मोमेंट भी था, पर मूवी थी अच्छी थी, गर्ल्स को देखनी चाहिए, अच्छी थी। कल जो लड़कियां जो होती है ना वो किन से डरती है, जैसे लास्ट में अपने हस्बैंड से वो हिचकी जाती है, वो कुछ फिर लास्ट में कहती है अपने हस्बैंड को रियलिटी उसके पास्ट में क्या हुआ था उसके साथ। हाँ, ये तो एक इशू रहा है, जैसे क्या होता है अभी जो रिलेशनशिप है ना, तो लड़के क्या करते हैं कि प्यार के नाम पे कुछ भी मांग लेते हैं, तो वो एक मैसेज नहीं होना चाहिए। ये मूवी एक यही मैसेज स्प्रेड करना चाहती है कि जो प्यार के नाम पे आप मतलब कि जो लड़के होते हैं वो लड़की को प्रेशराइज करते हैं कि प्यार करते हैं और फिर लड़की के साथ में जैसे इस मूवी में बताया है कि उसके साथ में कुछ गलत हो जाता है और फिर शादी वगैरह जब वो करती है तो वो इतना ट्रॉमा वो सह नहीं पाती है, तो इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वगैरह होनी चाहिए और मतलब कि प्यार के नाम पे सब कुछ नहीं होना चाहिए, वो मैसेज स्प्रेड किया है। जैसे हमारे सोसाइटी में कहीं रहते हैं जो लड़की को एक बॉडी की तरह देखते हैं, हाँ ये लड़की है इसे यूज करके थ्रो करते हैं, मैं उनके बारे में यही कहना चाहूंगी सबसे पहले तो उनसे दूर रहना चाहिए और इन लड़कियों को मैच्योरिटी होनी चाहिए कि उन लड़कों को पहचाने। और मैं लड़कों को ही ब्लेम नहीं करना चाहूंगी, हर जगह लड़के ही गलत होते हैं, कहीं ना कहीं लड़कियां भी ऐसी होती है जो लड़कों के साथ फ्रॉड करती है, तो मैं दोनों के लिए कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप अच्छे फ्रेंड्स बनिए, शुरुआत में एक दो महीने का रिलेशनशिप आप एक दो महीने के ही रिलेशनशिप आ जाते हैं और अर्ली स्टेजेस में ही सब कुछ हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सबसे पहले आप अच्छे फ्रेंड्स बनिए और फिर आप सब कुछ करिए, और दोनों के लिए जरूरी है कि दोनों एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। से जो उसको बार बार उसको कमरे से बाहर निकाल लेती है, वो खड़ाटे का बहाना बना के, क्या लगता है कि ये बहाना था या कुछ मतलब? तो मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाहूंगी, उसका खुद का एक अलग सा फियर था और उससे वो ओवरकम नहीं हो रही थी, क्योंकि रिसेंट डेज में वो नहीं बताना चाह रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि कोई मानता भी नहीं, तो वो तो मैं उसके लिए कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, उसका एक खुद का फियर था और उससे वो ओवरकम धीरे धीरे होना चाह रही थी और उसके बाद में वो पूरा स्टेबल होके उसने खुद ने ही सब बता दिया था। इतना एक्साइटेड थे कि आज मूवी देखना जाना है, क्या प्लान पहले से बना हुआ था या आप? नहीं, मैं कोई भी मूवी देखने से पहले रिव्यूज देखती हूँ, ठीक है, फिर रिव्यूज देखने के बाद ही जाती हूँ। कोई नहीं, मेरे चैनल देख लेना आप। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो आपका चैनल ही देखेंगे, तो उसके बाद ही मैं मूवी देखने जाती हूँ, तो मैं ट्रेलर नहीं देखती, ट्रेलर से ज्यादा रिव्यू देखने में बिलीव रखती हूँ, और मैं रिव्यू देखी और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई इस मूवी को देखने के लिए कि मतलब कुछ तो सीखने को मिलेगा और सच में बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए मैं मेरी पूरी फैमिली के साथ आई हूँ और सारे बच्चे हैं मेरे साथ जो भी है मेरे भाई बहन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मूवी देख के और आप सबको भी देखना चाहिए और भैया का चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, थैंक यू। और सब ऐसे कॉमेडी हो जाएगी ऐसे कर देना जैसे कि मूवी देख के आए और जैसे ही मूवी देख के आए, जैसे हेलमेट इन्होंने इसलिए पहना है कि कहीं गलत हो जाए तो मान लो कि पत्थर पड़ जाए, तो कहीं ऐसे इसलिए हेलमेट सुरक्षा के लिए पहन रखे हैं।